नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल जीओवीपीवीटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स पर जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। विधानसभा में की गई नियोजित शिक्षकों की मांग सुनने की अपील। बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्षी दलों में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। जहां एक तरफ सरकार ने एनपीआर को विपक्षी दलों की मांग के अनुसार लागू करने का फैसला सुनाया, वैसे ही विपक्षी दलों अब नियोजित शिक्षकों की मांग में भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसके तहत राजद नेता राबड़ी देवी ने सरकार से नियोजित शिक्षकों की मांग को सुनने की अपील की है। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए निकाली रिक्तियां। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के 27 पदों के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए वो अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं जिन्हें वकालत के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव हो और साथ ही जिनके पास 3 साल में हर साल लगभग 24 मुद्दों की सुनवाई का अनुभव हो। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 मार्च तक patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सिवान के सोहगरा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सोहगरा धाम स्थित बाबा हंसनाथ का मंदिर गुठनी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार शिव महापुरन के चतुर्थकोटि रुद्र संहिता में जो 21 शिवलिंग का वर्णन है उसमें 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा शिव हंसनाथ सोहगरा शिव धाम से विराजमान विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर पूरे 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है जिसमें व्यापक स्तर पर श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। किउल गया केजी रेलखंड पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हुआ बंद। किउल गया रेलखंड पर इंटरलॉकिंग का काम शुरू होने से विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, किउल गया रेलखंड पर लगभग 13 गाड़ियों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया गया। हालांकि रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई पैसेंजर ट्रेनों को शॉर्ट टर्म के लिए बंद किया है। राजद ने की सरकार से कुर्सी छोड़ने की मांग। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने विधानसभा बजट के दौरान सरकार से कई सारे मुद्दों पर जवाब मांगा है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सरकार से उनकी कुर्सी छोड़ने की मांग भी कर ली। दरअसल राजद नेता भाई वीरेंद्र ने नियोजित शिक्षकों की मांग को सुनने और उस पर अमल करने की मांग सदन में उठाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार फिर अपनी कुर्सी त्याग दे। गया पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति, किया पिंडदान। पिंडदान की महत्ता सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी देखने को मिल रही है। इसी का प्रमाण है कि मॉरिशस के राष्ट्रपति ने जो हाल ही में गया में किया है। अपने निजी यात्रा के तहत गया पहुंचे राष्ट्रपति ने सबसे पहले महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया। वहीं बीते दिन फाल्गु नदी के अपने पूर्वजों का पिंडदान भी किया। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने यह भी बताया कि उनके पूर्वज बिहार के ही रहने वाले थे। प्रशांत किशोर ने की एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर आए फैसले की सराहना। जदयू से बाहर निकाले गए प्रशांत किशोर कल तक जदयू के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे थे, वहीं अब वो सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में एनआरसी लागू नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं एनपीआर को भी 2010 के फॉर्मेट पर लागू करने का ऐलान किया था, जिस पर प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के जरिए उन्हें उनकी बात पर बने रहने के लिए आभार व्यक्त किया है। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अरविंद नारायण दास की। बिहार में जन्मे अरविंद नारायण दास मूल रूप से सामाजिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कार्यकर्ता और बिहार से एक फिल्म निर्माता भी थे। वह टाइम्स ऑफ इंडिया के शोध संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1994 में वह टाइम्स ऑफ इंडिया से बाहर चले गए और उन्होंने एशिया पैसिफिक कम्युनिकेशन एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड की सह सहायता की थी। 1995 में उन्होंने एक यात्रा शुरू की जो उन्हें भारत के 18 भाग के लिए ले गई, जिसे इंडिया इन्वेंटेड कहा जाता है। इतना ही नहीं, अरविंद बिब्लियो के संस्थापक संपादक भी थे। DDC-DPO को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के सभी सरपंच, वार्ड सदस्य समेत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकारी भत्ता दे दिया है। हालांकि इस बार राशि जारी करने के बावजूद कई पंचायत प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अब सरकार ने DDC और DPO को आदेश जारी करते हुए 15 मार्च तक सभी जनप्रतिनिधियों को सरकारी भत्ता मुहैया करवाने का आदेश जारी किया है। बिहार में 4 IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। बिहार में एक बार फिर से 4 IAS अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खबरों की माने तो साल 2004 बैच के पलका सहनी, आर लक्ष्मण, कुंदन कुमार, अभय कुमार सिंह का प्रमोशन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिन 4 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है वो सब के सब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है।
मांझी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। सदन में एनआरसी और एनपीआर पर आए सरकार के फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक गलियारों की हवाओं के रुख में बदलाव आने लगा है, जिसके तहत विपक्षी दल के जीतन राम मांझी का मन अब नीतीश कुमार को लेकर बदलने लगा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है, जहां उन्होंने कहा है कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिया गया फैसला राज्य हित और देश हित भी है। बारिश के बाद बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार के कई जिलों में रविवार की रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद बिहार के मौसम का मिजाज कुछ बदल सा गया है, जिसके तहत ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ समय तक मौसम का हाल कुछ यूं ही रहने वाला है। वहीं अभी भी कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फ गिरने की संभावनाएं हैं। पेट्रोल में लगने वाले सरचार्ज में हो सकती है गिरावट, आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। विधानसभा में बिहार का बजट पेश करने के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ऐलान के बाद अब बिहार में पेट्रोल पर लगाए जा रहे सेस यानी कि सरचार्ज को कम करने की बात पर सोच विचार किया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल के ऊपर लगने वाला टैक्स पर 30% सरचार्ज लिया जाता है, मगर सरकार के इस फैसले के बाद सरचार्ज की दर में कमी आ सकती है। पप्पू यादव ने बजट को लेकर सरकार पर कसा तंज। बिहार में पेश किए गए बजट से नाखुश जा प्रमुख पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बेटियों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई काम नहीं किया गया है। बजट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने कोई बातचीत करना जरूरी नहीं समझा है। मेलानिया ट्रंप को भी भाग गया मधुबनी पेंटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते दिन भारत दौरे पर थे, जहां वो अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ पहुंचे थे, जहां पर पूरे ट्रंप परिवार ने भारत के कई प्रमुख जगहों का दीदार भी किया। इसी क्रम में दिल्ली के नानकपुरा स्थित सर्वोदय को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची मेलानिया को वहां के छात्रों द्वारा दी गई मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आई। नानकपुरा पहुंची मेलानिया ने इसके बाद स्कूल परिसर में आयोजित हैप्पीनेस क्लास में भी हिस्सा लिया था। इंटरमीडिएट कॉपी जांच की प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल। जहां एक तरफ बिहार के अधिकतर शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, वहीं इसी बीच कल से बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा के कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पर कॉपी जांच में लगाए गए शिक्षकों में से लगभग 10% शिक्षकों ने ही कॉपी जांच की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, और ये सिर्फ पटना का ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों का भी हाल रहा, जिसके बाद से अब इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर असमंजस का माहौल बन गया है। कोइलवर के पास बने अब्दुल बारी पुल अब सप्ताह में 2 दिन रहेंगे बंद। बिहार के आरा और बक्सर को जोड़ने वाले कोइलवर स्थित अब्दुल बारी पुल 26 फरवरी से 24 मई तक बुधवार और रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बंद किया जाएगा। भोजपुर जिला के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तरी लेन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को 2 दिन के लिए बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। 28 फरवरी को अहमदाबाद में होगा 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन। बिहार की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के लिए बिहार सरकार अहमदाबाद में 3 दिनों के लिए बिहार महोत्सव का आयोजन करवाने जा रही है। आयोजित होने वाला यह महोत्सव 28, 29 और 1 मार्च को होने वाला है। वहीं आपको बता दें, कला संस्कृति एवं युवा विभाग और गुजरात सरकार के सहयोग से करवाया जा रहा है। वहीं अहमदाबाद से पहले भी राज्य सरकार कई अन्य जगहों पर भी बिहार महोत्सव का आयोजन करवा चुकी है। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर राबड़ी देवी ने दी स्पष्टता। बिहार में सियासी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के भी इस चुनावी साल में हुए मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। हालांकि राजद नेता राबड़ी देवी ने दोनों ही नेताओं की मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार के तहत ही की जा रही है, इसका आप लोग कोई और राजनीतिक मतलब ना निकाले। हर स्कूल में मंगलवार के दिन पर्यावरण पर डिबेट करवाने की उठी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र के 3rd दिन राज्यपाल के अभिभाषण को धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कई सारी योजनाओं का ऐलान किया। वहीं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने बिहार के सभी स्कूल में मंगलवार के दिन पर्यावरण पर डिबेट करवाने का आदेश जारी किया, ताकि छात्र पर्यावरण के मुद्दे से जागरूक हो सके। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे सही, मगर लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं छपरा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं जताई गई है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,270 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,410 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.59 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.22 रुपए प्रति लीटर था। कपिल देव ने भारतीय टीम के टीम फॉर्मेशन पर उठाए सवाल। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव ने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ मिली हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हर बार खिलाड़ियों में किए जा रहे बदलाव का असर भारतीय टीम पर अब देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने चयनकर्ताओं से टीम में केएल राहुल के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से बाहर होने के सवाल का जवाब भी मांगा है। खेसारी लाल यादव का नया होली गाना YouTube पर कर रहा है ट्रेंड। होली छठ के दौरान अक्सर भोजपुरी गानों की होड़ देखने को मिलती है। हर साल किसी न किसी कलाकार के गाने इन त्योहार पर ट्रेंड कर ही रहे होते हैं। इसी क्रम में इस होली पर खेसारी लाल यादव का नया गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। गाने का नाम है छपरा के रंग। वहीं 24 फरवरी को रिलीज हुए इस गाने में अब तक 10 लाख लोग देख चुके हैं। 100 रुपए से कम में टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं कॉलिंग और डेटा की सुविधा। टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के बीच टैरिफ प्लान्स में रियायत देने की रेस चरम पर है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए टैरिफ प्लान्स की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई थी। वहीं एयरटेल, वोडाफोन और जियो द्वारा आम नागरिकों को राहत देने के लिए अब 100 रुपए में कम कीमत वाले प्लान्स में डेटा और कॉलिंग दोनों की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है केएन कुमार, मिंटू राज एजुकेशन, श्री भगवान मिश्रा, प्रिया यादव, पिकेंद्र कुमार गुप्ता, संतोष सिंह, सुमन, अरुण कुमार, अंकुर कुमार, विकी कुमार, आलोक यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार ने जो NPR पर फैसला लिया है वो सही है या गलत? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।